हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक करने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यहाँ पे एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे जो होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूज़ बताया गया है वर्ड का, कि पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ड है वो एडजेक्टिव भी है, प्रपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। इसी तरह से एक वर्ड है जो वो नाउन भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ हर बिफोर, मैंने उसको पहले देखा था। यहाँ पे बिफोर क्या है? एडवर्ब है। आई हैड मीट मिनी बिफोर हर मैरिज, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन है कि मैं मिनी को मैरिज से पहले मिला था या मिली थी। आई हैड गॉट अ जॉब बिफोर आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन। अब जो कंजंक्शन, कंजंक्शन होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि बट, एंड, ये सब जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो बिफोर है ये क्या है? जोड़ने का काम कर रहा है सेंटेंस को, कि मैंने जॉब ले ली कब? ग्रेजुएशन पूरी करने से पहले। नेक्स्ट है जी, हमारे पास एक वर्ड है ड्रीम। ड्रीम का अलग अलग यूज़ बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे आई हैड अ ड्रीम यस्टरडे, मुझे एक कल एक बहुत ही अच्छा ड्रीम आया। यहाँ पे ये ड्रीम नाउन है। मुझे कल क्या आया? ड्रीम। जिसकी वो बात कर रहा है वो क्या है? नाउन है। नेक्स्ट, आई ड्रीम्ड अबाउट बर्थडे पार्टी, वर्ब। ड्रीम्ड, ईडी लग गया तो वर्ब बन गया, मतलब मैंने अपने बर्थडे, मैंने बर्थडे पार्टी का क्या देखा? ड्रीम देखा, देखना, ड्रीम देखना, मतलब ये क्रिया हो गई। नेक्स्ट है जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है किसी की विशेषता। पोइट्स ऑफ्टन लिव इन अ ड्रीम वर्ल्ड, जो कवि होते हैं वो हमेशा एक सपनों की दुनिया में रहते हैं। कौन सी दुनिया में? सपनों की दुनिया में। तो यहाँ पे ये जो है वर्ल्ड की विशेषता बता रहा है। इस तरह से नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव है जो वो एक वर्ड के ही ये तीनों रूप हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, शी इज़ माई बेटर हाफ। बेटर हाफ बोलते हैं वाइफ को। शी मेरी, वो मेरी बेटर हाफ है, मतलब बेटर हाफ एडजेक्टिव हो गया। वाइफ के लिए उसने क्या यूज़ किया? बेटर हाफ, मतलब वो एक विशेषता बताई उसकी भी, मेरा वो जो बेटर हाफ है। आई ट्राइड बेटर टू हेल्प हर, आई ट्राई बेटर टू हेल्प हर, मैं उसकी ज़्यादा अच्छे से कोशिश हेल्प करने की कोशिश करूँगा, करता हूँ, ठीक है। तो इसमें बेटर है जो वो एडवर्ब हो गई। वी मस्ट ट्राई टू बेटर आवर एबिलिटी, वी मस्ट ट्राई टू बेटर आवर एबिलिटी। अब इसमें ट्राई टू बेटर, कोशिश करना अपनी तरफ से अपनी एबिलिटी की, ये क्या है? वर्ब हो गई। आई डिड माई बेटर टू सक्सीड इन लाइफ, यहाँ पे भी बेटर है जो वो वर्ब है। आई डिड माई बेटर, मैं अपनी तरफ से पूरी जो है, जो मेरा बेस्ट है वो अपनी लाइफ को सक्सीड करने में लगा रहा हूँ। फोर्थ सेंटेंस है, वी बुक्ड ए कार टू टूर द कैरी। बुक्ड, बुक तो पुस्तक हो गई, ठीक है। जब इसके पीछे ईडी लग गया तो मतलब है कि बुक्ड करवाना, जैसे कोई चीज़ हमने बुक करवा ली हो भी, उसको बुक करवा लेना भी, वो मेरी होगी। जैसे हम सीट बुक करा लेते हैं, कोई फिल्म की टिकट्स बुक करवा लेते हैं, तो इसी तरह से वो वर्ब हो जाते हैं। आई वेंट टू द बुक फेयर हेल्ड इन द दिल्ली। अब यहाँ पे फेयर, फेयर मतलब मेला। मैं पुस्तक मेला देखने दिल्ली गया, जो दिल्ली में लगा था मेला। मेले की विशेषता क्या होगी? पुस्तक का मेला है वो, तो वो क्या है? एडजेक्टिव हो गया। बुक्स आर क्रिएटेड माई मिटी माइंड्स। बुक्स, बुक्स यहाँ पे क्या है? ये एक नाउन बन जाता है। बुक्स एक नाम हो गया, कि बुक्स है जो आर क्रिएटेड बाय मिटी माइंड्स, बहुत सारे माइंड्स है जो वो मिल के एक बुक को बनाते हैं। आई अप्लाइड फॉर अ बैंक लोन, मैंने बैंक लोन के लिए अप्लाई, लोन कौन सा अप्लाई किया? बैंक का। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बैंक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंट्री, बैंक्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैंक का यहाँ नाम दिया गया है कि बैंक रोल प्ले करते हैं, नाउन हो गया। यू शुड नॉट बैंक ऑन योर फ्रेंड फॉर हेल्प, तुम अपने फ्रेंड से बैंक नहीं ले सकते हेल्प के लिए। शुड नॉट बैंक, तो ये क्या है? वर्ब होगी। इस तरह से सिक्स सेंटेंस है, सेंस ऑर्गन्स आर, ऑर्गन्स की अब सेंस बताई गई है, मतलब कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। ही सेंस्ड, ईडी लग गया तो ये वर्ब हो गया। यू मस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस,
इन आ क्रिटिकल सिचुएशन, तुम्हें अपनी कॉमन सेंस क्रिटिकल सिचुएशन में यूज़ करनी चाहिए। यूज़ करना तो वर्ब हो गया, कौन सी किसके बारे में बात कर रहे हैं कॉमन सेंस, तो वो क्या है, नाउन हो गया। वी वेंट राउंड दिल्ली इन अ टैक्सी, प्रपोजिशन राउंड मतलब घूमना, हम दिल्ली टैक्सी में घूमे, प्रपोजिशन है राउंडेड, तो ये क्या है, वर्ब हो गई। आई ट्राइड टू ब्रिंग हिम राउंड, आई ट्राई टू कन्वेंस करवाना, यहाँ पे इसका मीनिंग है, तो एंड में लग गया, मतलब एडवर्ब हो गया। मिनी हैज़ अ राउंड फेस, फेस का की विशेषता क्या है, उसका फेस राउंड है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। द नर्स वॉज ऑन हर राउंड टू लुक आफ्टर द पेशेंट, नर्स है जो वो राउंड पे थी वो अपने पेशेंट को देखने के लिए, तो ये नाउन है। हर आईज वर फिल्ड विद वंडर, उसकी आंखें खुशी से भर गई, उसकी आंखें खुशी से भर गई, उसकी आंखें किसके बारे में बात कर रहे हैं, आंखों की, तो वो नाउन हो गया। मिस जया आईड, ईडी लग गया, वर्ब हो गया। माई मदर ऑफन गोज टू द आई क्लिनिक, क्लिनिक की विशेषता क्या है कि वो आई क्लिनिक है, इसलिए वो एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ पे यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में आपने इनको यूज़ करना है। पहला है हेल्प एज ए नाउन एंड वर्ब, दोनों की तरफ से यूज़ करना है, एक नाउन में सेंटेंस बनाना और दूसरा वर्ब में सेंटेंस बनाना है। हेल्प को एज ए नाउन हमने चेंज करना है, एज ए नाउन हमने बनाना है, तो इसका फर्स्ट सेंटेंस बनेगा दे नीड टू गेट हेल्प, ओके, दे नीड टू गेट हेल्प, उनको ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, हेल्प की, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेल्प के बारे में, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट इसमें है वर्ब, अब इसको वर्ब कैसे बनाएंगे, दे हेल्प्ड देम, उन्होंने उसकी सहायता की, हेल्प्ड, ईडी लग गया, तो वो क्या बन गया, वर्ब बन गया। इस तरीके से हमने हेल्प के दो सेंटेंस बनाए, एक नाउन में दूसरा वर्ब में। नेक्स्ट सेंटेंस है बुक, बुक का हमने वर्ब में बनाना है और नाउन में बनाना है, तो पहले वर्ब में बनाएंगे बुक, आई बुक्ड रेलवे टिकट्स, मैंने रेलवे टिकट्स बुक करवा ली। नेक्स्ट है नाउन, द शेल्फ फिल्ड विद बुक्स, जो शेल्फ है वो बुक के साथ भरी हुई हैं, किसके साथ भरी हुई हैं, बुक्स के साथ, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, बुक के बारे में, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रैक्टिकल, उसको हमने एज ए वर्ब और एज ए एडजेक्टिव जो है सेंटेंस बनाना है। प्रैक्टिकल का एज ए वर्ब सेंटेंस क्या बनेगा, आई प्रैक्टिकल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रैक्टिकल एज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव, एज ए वर्ब प्रैक्टिकल को हम बनाएंगे प्रैक्टिकल पर्पस, प्रैक्टिकल पर्पस, वी हैव एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू ब्रीथ, द प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है एयर की, सांस लेने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है एडजेक्टिव, प्रैक्टिकल एज ए एडजेक्टिव कैसे यूज होगा, शी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू सॉल्व प्रॉब्लम, शी हैज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू सॉल्व
प्रॉब्लम्स। एडजेक्टिव मतलब किसके किसकी एक्सपीरियंस है उसको, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है जी फंडामेंटल एज ए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करना है फंडामेंटल। द कॉन्स्टिट्यूशन अनश्योर्स आवर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है लाइन एज ए वर्ब एंड नाउन। एज ए वर्ब लाइन है जो उसका सेंटेंस बनेगा ट्रीज लाइन द रोड ऑन बोथ साइड्स। ये है वर्ब में। नेक्स्ट नाउन है जो हमारा वो होगा लाइन का आई ड्रॉ आ स्ट्रेट लाइन। मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाली। ये ड्रॉ मतलब निकालना मतलब क्रिया हो गई, तो ये क्या हो गया वर्ब हो गया, जो पहला हमने किया है वो नाउन हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है उसको हमने चेंज करना है एडवर्ब और एडजेक्टिव में। तो सबसे पहले एडवर्ब में चेंज करेंगे नेक्स्ट को। नेक्स्ट का बनेगा आई विल बी सीइंग हिम द वीक आफ्टर नेक्स्ट। मैं उसको इस वीक से अगले वीक में देखूंगा। नेक्स्ट है जी एडवर्ब। नेक्स्ट का एडवर्ब होगा आई एम लिविंग टाउन ऑन द नेक्स्ट ट्रेन। मैं ये टाउन अगली गाड़ी से छोड़ रहा हूँ। कौन सी गाड़ी होगी? नेक्स्ट अगली गाड़ी होगी, तो गाड़ी की विशेषता हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है जी होम एज ए नाउन एंड एडवर्ब। तो होम है जो उसका हम पहले नाउन बनाएंगे शी मेड अ होम फॉर हर हस्बैंड। उसने अपने हस्बैंड के लिए एक घर बनाया। क्या बनाया? घर। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। वर्ब है शी वेंट होम। ये हो गई वर्ब। शी एडवर्ब शी वेंट होम। होम एंड में आ गया तो वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है बैटर। बैटर एज ए एडजेक्टिव एंड वर्ब। एडजेक्टिव और वर्ब में हमने बैटर को बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर को एडजेक्टिव में। ही इज इन अ बेटर मूड देन एज यूजुअल। रोज की तरह, रोज की बजाय वो आज कुछ बेटर मूड में है। मूड किस में? बेटर में। तो वो बेटर मूड की विशेषता हो गई कि आज वो बेटर मूड में है। अगला वर्ब मूड बेटर का वर्ब क्या बनेगा? देयर सक्सेस दैट सीजन could not be bettered। इस सीज़न उसकी जो सक्सेस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारा सेकेंड लास्ट फर्दर। फर्दर को हमने एज ए वर्ब और एज ए एडजेक्टिव चेंज करना। फर्दर जो है फर्स्ट सेंटेंस एडजेक्टिव। फर्दर होता है आगे की डिटेल। फर्दर डिटेल्स are available, further details are available from the
ऑफिस, जो आगे की डिटेल्स हैं वो आपको ऑफिस से मिलेंगी। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सी डिटेल्स, आगे की डिटेल्स, तो ये डिटेल्स क्या, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमने बनाना है जी वर्ब। वर्ब क्या होगी इसकी, द एफर्ट्स ग्रेटली फर्दर्ड, द एफर्ट्स ग्रेटली फर्दर्ड, ईडी लग गया वो वर्ब बन, द स्टेट ऑफ रिसर्च, ओके, द एफर्ट्स ग्रेटली फर्दर्ड द स्टेट ऑफ रिसर्च। लास्ट है जी टेबल एज ए वर्ब और एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम इसका वर्ब है जो वो करेंगे, टेबल शोज द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय की सैलरी हमें बता रहा है टेबल। नेक्स्ट एडजेक्टिव, शी रिजर्व्ड अ टेबल, उसने एक टेबल बुक करवाया फॉर टू एट द रेस्टोरेंट, दो के लिए रेस्टोरेंट में उसने एक टेबल बुक कराया। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो इसी तरह से हमने कुछ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो एक वर्ड है उसको नाउन कैसे यूज़ करना है, वर्ब कैसे यूज़ करना है, एडजेक्टिव कैसे यूज़ करना है, एडवर्ब कैसे यूज़ करना है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, तो ये हमने पार्ट ऑफ स्पीच है जो उनसे हमने देखा था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे स्पेलिंग्स, कि स्पेलिंग्स है, कई बार होते हैं कि स्पेलिंग्स में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो वो जो कन्फ्यूज़न है वो स्पेलिंग्स की हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो को अच्छे से समझ लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।